मुंबई गोवा हाईवे का काम पिछले 18 सालों से पूरा नहीं हो पा रहा, अब खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर आते दिख रहे हैं और इस हाईवे का दौरा कर रहे हैं, इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कोकण वासी है जिन्होंने अपने इस हाईवे के लिए जन आक्रोश आंदोलन खड़ा किया है। इतना ही नहीं बल्कि वो अनशन पर भी बैठे थे। आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री यहाँ पर रास्ते का काम तो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या इनसे कुछ बातचीत की है, उन्होंने अनशन किस मुद्दे पर किया था, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या आपके मुद्दे हैं और आज मुख्यमंत्री आकर गए हैं, लगता है इसका कुछ परिणाम होगा? मुख्यमंत्री जी को हमारा जब अनशन चालू था तभी हमने निवेदन दिया था, उनके सब नेतागण हैं उनको भी निवेदन दिया था कि इसकी जो दुर्व्यवस्था है उसके बारे में आप ही अभी कुछ कीजिए, क्योंकि पिछले गणेशोत्सव में भी ऐसे ही हुआ था। रविन्द्र चव्हाण जी जो है बांधकाम मंत्री, उन्होंने भी प्रॉमिस किया था और डिक्लेयर कर दिया था, बैनर लगाए थे कि एक लेन पूरा हो गया, तो आज एक साल पूरा हो गया, आप देख सकते हो अभी भी खड्डे भर रहे, वो भी मुख्यमंत्री जी आके, तो मतलब कौन सा लेन पूरा हो गया, ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था। और बहुत सारे मुद्दे इसमें है, जो रोड पे अभी डिले के वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको हर्जाना मिलना चाहिए, उनका जो मेडिकेशन होता है वो भी गवर्नमेंट ने करना चाहिए, बिकॉज ये डिले बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट है। और ट्रामा सेंटर आप देख सकते हो, हर 100 किलोमीटर में ट्रामा सेंटर होना चाहिए, वो ट्रामा सेंटर आज यहाँ पे है नहीं। मॉर्ड का जो नियम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का, अकॉर्डिंगली ये हाईवे बनना चाहिए, तभी वो हैंडओवर होगा और तभी इसका टोल आप ले सकते हो, बट वो सब कुछ इस चीज में आप देख रहे हो कहीं पे भी नहीं है। ये कुछ स्टंट हो रहा है ऐसा ही लग रहा है, खड्डे किए जा रहे हैं उसमें कॉन्क्रीट भरे दिए जा रहे हैं। अभी दो दिन पहले हम लोग ने यहाँ से गए थे, हम लोग एक भी खड्डा यहाँ पे, मतलब सब खड्डे वैसे ही थे, अभी दो दिन में खड्डे भरे गए हैं, वो अभी कितने दिन तक वैसे ही रहेगा ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। कितने लोगों का मृत्यु इस हाईवे पर इस दुर्व्यवस्था की वजह से हुआ है आज तक, कुछ रिकॉर्ड है उसका? गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो 1800 के आसपास है, बट 5000 से ज्यादा लोगों की जाने इसमें चली गई है ये दुर्व्यवस्था के वजह से और डिले के वजह से। किसी को भी हर्जाना नहीं दिया गया है, मतलब अगर आप महाराष्ट्र में ही देखें कि आप विदर्भ में जाए, मराठवाड़ा जाए, वहां पे कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है, इवन समृद्धि महामार्ग अभी हार्डली आपने देखा होगा, 5 लाख 6 लाख 10 लाख वहां पे उनको मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन हमारे एक कोकण गोवा, हम भी हमारे देश के नागरिक है, अगर हम इसी देश के नागरिक है तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है कि वहां पे महाराष्ट्र में ही एक बाजू में अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो उनको वहां पे 5-10 लाख, हम ये नहीं कहते उनको नहीं दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम क्या देश के नागरिक नहीं है? हमारी क्या ये मांग नहीं है? क्या प्रमुख कारण है जिस वजह से इतने सालों से ये रास्ता पूरा नहीं हो पा रहा है? महायुति के सरकार के ही नेता कह रहे हैं कि 14 साल में वनवास पूरा हो जाता है लेकिन 18 साल में ये हाईवे पूरा नहीं हो। नेता लोगों की जो भी पॉलिटिक्स चलता रहेगा सर, यहाँ पे कितनी जानी गई है आप सब लोग को पता है, और जो भी लोग बचे हुए हैं ना जो कोकण में ट्रैवल करते हैं, सब लोगों को कमर की दर्द, मान के दर्द, ये सब हो रहा है सब लोगों को, इतना रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, और एक्सीडेंट जब होता है, सर ने जैसे कि कहा आपको कि एक्सीडेंट होने के बाद कुछ मिलता नहीं, वैसे ही है, बेचारे को 10-10 लाख भी खर्चा है तो खुद के जेब से करो, ये सब वैसे के वैसे है सर। और अभी रही बात इसकी, कोकण में सबसे ज्यादा होता है बारिश होती है कोकण में, ठीक है, ये लोग कहीं पे भी ड्रेनेज का सिस्टम का प्रॉपरली काम किया है नहीं, इसके वजह से रोड के बीच में ही बीचों बीच पानी फंसा रहता है और उससे रास्ता खराब होता है, एज वेल एज जो बोलते फार्मर लोगों के बीच लैंड जो है सर, करीबन कासू के यहाँ पे 200 एकड़ लैंड जो है सर इसकी वजह से खराब हो रही है सर, क्योंकि जो पानी का जो व्यवस्था की है नहीं इसकी वजह से। और सेकंड थिंग इज, जैसे आप देख सकते हो सर, अगर आप कोई घर पे अगर कोई नया मेहमान आता है ना, तब हम लोग कांच के ग्लास या कोई तो सोने का ग्लास या प्लेट निकाल के उसको परोसा जाता है, वैसे ही जैसे अभी सीएम साहब जब आए ना, तब वो साइड लेन में जो उन्होंने किया हुआ जो पैच वर्क है ना, कैसा प्रॉपरली किया रहता है, इसके लिए जो कंटिन्यूस काम करने वाले जो सुपरवाइजर है और जो एसी में बैठते हैं ना अधिकारी लोग, ठीक है, एनएचआई के जो भी स्टाफ रहते हैं ना, वो वहाँ पे खड़े रहते, आज सब लोग लाइन पे थे और वहाँ पे करके देख रहे थे कैसे होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो ट्रैवल करते हैं सर, कम से कम इतने साल से यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ उसके तरफ से कुछ काम होता नहीं, कॉन्ट्रेक्टर करता है काम हो रहा है बस, ये सर रियलिटी। अगर आपको यही देखना है ना, एक गड़प के यहाँ पे हो आप, उधर चले जाओ, यहाँ से बस एक 300 मीटर दूर वहाँ पे खड्डों की रेल लगी है सर, आपके न्यूज में भी आएगा वो सर। थैंक यू आज तक जी। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार गड्ढे भी पड़े हुए हैं, हालांकि
जो राजनीतिक संघर्ष महायुति सरकार में देखने को मिलता है, उसके बाद मुख्यमंत्री तो एक्शन मोड पर आते दिख रहे हैं, लेकिन क्या कोकण वासियों का ये जन आक्रोश आंदोलन जो है, क्या इसको जवाब ये सरकार देगी और ये रास्ता जो है, ये हाईवे जो है, ये पूरा करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।